और अब बात करेंगे कि पीटीएम छोड़ने वाली अवामी नेशनल पार्टी ने यानी 249 के जिम्मी इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला लिया। हल्के से एनपी के उम्मीदवार औरंगजेब बुनेरी को मिफ्ता इस्माइल की हिमायत में दस्तबरदार कराने का ऐलान कर दिया। बड़ा फैसला बाचा खान मरकज पर मिफ्ता इस्माइल की एनपी रहनुमाओं से मुलाकात में किया गया। सूबाई जनरल सेक्रेटरी यूनुस बुनेरी वाले बुनेरी बोले कि जमहूरी लोग हैं, अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, जमहूरियत के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जब हम इस इलेक्शन मीटिंग की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, इसका पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं है। जमहूरी लोग सियासी लोग हैं, हो सकता है कि हम अपोजिशन में कल दोबारा बैठ जाए। हमने ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार एज ए पार्टी हम बेहतर उम्मीदवार समझते हैं, इसलिए हमने इसके हक में फैसला अवामी नेशनल पार्टी ने सिंध की तंजीम ने किया है। तो मैं साबिक नाज़िम औरंगज़ेब खान बुनेरी साहब का, यूनुस साहब का और इनके तमाम साथियों का अपनी तरफ से, अपने भाई अली अकबर गुजर की तरफ से शुक्रगुजार हूँ और पूरी मुस्लिम लीग नून की तरफ से शुक्रगुजार हूँ और इनके साथ मिलकर हम इलाके की